नमस्कार दोस्तों, मेरे पास ये दो कैसेट रिकॉर्डर हैं टेलेक्स कंपनी के। दोनों एक मास्टर हैं और एक इधर कॉपियर होता था जो पहले चलता था। ये अभी सर मेरे पास जो है ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बट हाँ इसके सारे पार्ट्स वर्किंग हैं, या फिर कोई होनहार अगर इंजीनियर हो तो वो इसे बना सकता है। तो मैंने अभी इसमें कैसेट डाल के रखा है, बाकी जिस टाइम में ये होगा, देखो ये एल्युमिनियम का इसका मेटल है ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है उस ज़माने में। उस समय ये कवर पूरा एल्युमिनियम का है, ब्लैक कलर रहा होगा, और बाकी इसके मैकेनिज्म सारे वर्किंग में हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पॉज है, बाकी ये इसमें रिकॉर्डर एक साथ चलता था, स्टॉप कॉपी और के साथ चलता था यहाँ पे, और कॉपी के साथ फास्ट फॉरवर्ड एक साथ चलाते थे। और इसमें हमारा मास्टर कैसेट लगता है और इसमें कॉपी वन लगता है। इसमें लिखा हुआ है टेप वन और टेप टू, ओनली रिकॉर्ड। इसमें गाना प्ले कर सकते हैं, बाकी इसका सर वॉल्यूम वगैरह सब प्रॉपर सही है, मैंने खोल के अंदर से भी देखा है। और इसका एक व्यू मीटर है और ये टेलेक्स कंपनी का है, आप देख सकते हैं टेलेक्स कंपनी का। दोनों मैकेनिज्म अच्छे हैं और आपको इसका बैक पैनल भी दिखाया था। ये इसका बैक पैनल है, 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें लगती है, आप चाहें तो उसमें 12 वोल्ट का अडेप्टर भी लगा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म है देख सकते हो, फुल्ली वर्किंग है जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वर्किंग कंडीशन के थोड़े बहुत एक जो कंपोनेंट होंगे वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। ट्रांसफार्मर आपको ओके कंडीशन में मिलेगा इसमें, और सबसे बड़ी बात कि ये ट्रांजिस्टर है। ये मैं आपको टेलेक्स की बात कर रहा हूँ, टेलेक्स कॉपियर की। इसमें आपको मोटर मिलेगा वर्किंग में, और इसमें आपको बेल्ट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने साफ़ सफाई किया है, इसमें बेल्ट इसका टूट गया है, आप देख सकते हो। ये इसकी बेल्ट है, ये इसका बेल्ट है दोनों का। मैकेनिज्म बिल्कुल वर्किंग में है, ये इसका व्यू मीटर है, ये इसका पार्ट्स है, ये इसकी रिकॉर्डिंग है कॉपी की जो मास्टर कॉपी करती थी, और यहाँ पर आकर के इस प्लेट में ज्वाइंट है। तो ये कॉपियर का है, दोनों तरफ मैकेनिज्म लगा हुआ है। मैकेनिज्म ये मेटल का है पूरा फुल्ली, आप चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी यूज़ में ले सकते हैं। और आप देख सकते हो मैकेनिज्म बिल्कुल ओके है, इसके इसमें हेड भी है, ये भी ओके है, और इसका बैक पैनल आपको दिखाई दे, इसका ओरिजिनल केबल है, ये इसका ट्रांजिस्टर है, और ये लाइन इन और लाइन आउट, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्पीकर के लिए है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई और ट्रांजिस्टर है ये सेट, और ये इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ओके है। अगर आप इसको किसी को चाहिए, कोई लेना चाहता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अगली वीडियो में एक और बनाऊंगा जिससे मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई कुशल जानकार होगा, कुशल जानकार इंजीनियर होगा जिसको इसके बारे में नॉलेज होगी, इसकी वायरिंग की और इसके बोर्ड की नॉलेज होगी, वो कर सकता है। मैंने अभी इसको चालू करके नहीं देखा है क्योंकि इसका पावर केबल मुझे देखना पड़ेगा, करंट लगाने को कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इसका है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश पीस लग रहा है, रिकॉर्डिंग करके छोड़ा गया ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से वर्किंग में है,
इसका फंक्शन है ऑक्स टेप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ हाई फिल्टर बैलेंस ट्रेबल बेस और इसका ये वॉल्यूम है मास्टर वॉल्यूम और इसके दो व्यू मीटर हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों व्यू मीटर हैं। बहुत ही नाइस कंडीशन में है बट हाँ इसका किट बिल्कुल वर्किंग है, इसमें थोड़ी सी और थिनर वगैरह डाल के सफाई करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल आप काम करेगा अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे तो। बाकी वायरिंग सारी लगी हुई है, कोई वायर नहीं छूटा हुआ, सब प्रॉपर इसमें कनेक्टेड है सारे, आप देख सकते हो प्रॉपर वायर कनेक्टेड है, सारे वायर लगे हैं। फोर वायर का इसका मोटर है, ये भी आप देख सकते हो दोनों फोर वायर वाले हैं, आपको पता चल रहा होगा वीडियो में, थोड़ा मेरे फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल वर्किंग नहीं है, इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। इसमें गेन सेलेक्टर है, मॉनिटर है और नॉर्मल है, ये भी है राइट चैनल लेफ्ट चैनल वीडियो मीटर टेलेक्स का, ये सारा कुछ यहाँ पे टेलेक्स की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी, हाई स्पीड ऑडियो कैसेट डिजिटल। और बाकी आपको इसमें दोनों में देखो हेड लगे हुए आपको मिलेंगे, हेड और पिंच रोलर सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में है, चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लेंगे इसके स्पेयर पार्ट्स भी आपके काम में आ जाएंगे, अगर आप चाहें तो इसके स्पेयर पार्ट्स के यूज़ में भी आप ले सकते हैं। ये दोनों वर्किंग में है जैसे कि आपने चेक किया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी प्राइस मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूँगा, आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी पहले से मेरे पास ये था लेकिन मैंने आपको आज ये वीडियो शेयर किया। थैंक यू सो मच।